पार्टी में पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से उपभोक्ता हो रहे परेशान, सरकार द्वारा ठगा सा महसूस करने लगे उपभोक्ता। पार्टी लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से ऐसा लगता है जैसे वाहनों की शक्ल में उनके यहाँ दानों हो। एक सप्ताह से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने से लोग अपने आप को सरकार द्वारा ठगा सा महसूस करने लगे। रितेश नरगावे ने बताया कि हमारे सामने सबसे बड़ा संकट गाड़ियों की किस्त निकालना है, जो अभी संभव नहीं हो पा रहा है। वाहन घरों में खड़े हुए हैं। इसी प्रकार अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो भूखों मरने की नौबत आ सकती है। वहीं सुभाष पटेल ने बताया कि आज पेट्रोल सादा 92.80 रुपये व डीजल 82.66 रुपये है। अब तो यह लगता है कि महीने भर की कमाई का आधा हिस्सा गाड़ी में पेट्रोल डलवाने में ही चले जाएगा। अभी इस महंगाई के मध्यम वर्ग की कमर तोड़ कर रख दी है। शिक्षक राजेश कुशवाहा ने बताया कि कर्मचारी वर्ग पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना अतिरिक्त भार है, जिसके कारण मूलभूत कार्य के व्यय में कटौती कर अपने वाहनों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। मुरा नरगावे ने बताया कि मैंने अपने मोटरसाइकिल को घर पर ही खड़ा कर दिया है। पेट्रोल के दाम हर दिन बढ़ रहे, केंद्र सरकार को डीजल पेट्रोल की GST के दायरे में लाना चाहिए, जिससे आम मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिल सके। पंप के मैनेजर जयपाल बड़ोले ने बताया कि रोज पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव आता रहता है, कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। ऑनलाइन सिस्टम है, आगे से ही बढ़ने व घटने की प्रक्रिया होती है। पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है? 92.85 रुपये। कैसा लग रहा है आपको, भाव ज़्यादा है कम? ज़्यादा क्या, काम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल स्थिति है आज की तारीख में। आदमी कमाएगा क्या और पेट्रोल क्या डलाएगा? पहले लॉकडाउन से ऐसी स्थिति गुजर रही है, तो क्या लग रहा है आपको, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की मतलब मूलभूत आवश्यकताओं में से पेट्रोल आज की तारीख में। यहाँ पे तो किसान लोग रहते हैं, आदिवासी किसान लोग, तो उनको तो ज़्यादा दिक्कतें आती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, इसका क्या कहना आपको इस पर? हमारा सरकार मतलब हमारा तो ये कहना है कि सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी की ज़िंदगी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आदमी बाइक और गाड़ी से चल रहा है आजकल। पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो रहा है, गाड़ी चलाने कैसी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है? गाड़ी पे पैसा भी करके ले लिया है हम, और पेट्रोल का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। क्या मांग करते हो कि पेट्रोल का भाव कम होना चाहिए? कम होना